राम राम दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल तकचन खजाना में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज मैं लाई हूँ आपके लिए मसालेदार लच्छा पराठा, जिसकी रेसिपी आपके सभी के साथ शेयर करूंगी। तो जिसके लिए मैंने ये आटा लिया है 2 से 3 कटोरी बड़ी, इसमें नमक डाल देते हैं टेस्ट के अनुसार, और ये हमने 3 चम्मच रिफाइंड लिया है गोमन के लिए, जिससे हमारे खस्ता और क्रस्पी हो रही है थोड़े से, तो परतें हमारी अलग अलग हो जाएंगी लच्छा पराठा की। इसको अच्छे से मिला लेंगे। रिफाइंड हमने मिला लिया है, अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको हम गूंदेंगे। आटा हमारा गूंद गया, इसको 10 मिनट के लिए हम रख देंगे जिससे अच्छे से फूल जाए। लच्छे पराठे के लिए हमारा आटा हो गया तैयार। आप मैदा के आटा भी ले सकते हैं और बेसन मिक्स करके भी बना सकते हो, और थोड़ी सूजी डालकर बना सकते हो। हमने चने का और गेहूं का आटा लिया है, तो इसके बहुत क्रिस्पी बनेंगे पराठे। इसके हम लोई तोड़ लेते हैं, ज़्यादा छोटी लोई नहीं लेंगे हम इसके लिए। तो लच्छे पराठे के लिए हम करते हैं मसाला तैयार। ये हमने हल्दी ली है थोड़ी सी, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच खटाई, और ये 1 चम्मच ये धनिया पाउडर, आधी चम्मच नमक हमने आटे में नमक डाला है, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी ब्रश करके डाल देंगे। गरम मसाला, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उस तरह से इसको बेल लेंगे थोड़ा सा सूखा आटा लगा के। उस पर हम देसी घी की लेयर लगा लेंगे, घी की लगाओगे तो आप अच्छे क्रिस्पी बनेंगे और जो हमारी लेयर है वो अच्छे से निकल के आएंगी। इस तरह से इसको कर लेते हैं इससे गार्निशिंग। आप रिफाइंड भी लगा सकते हो, मक्खन भी लगा सकते हो, लेकिन हमने इस पर देसी घी लगाया है। हमने मसाला तैयार करा है, इसको इस पे रख देंगे। और आटा डाल देंगे इसमें, इस तरह सूखा हमने मसाला लगा दिया है, इसकी कटिंग करते हैं हम। हमारे पास पिज्जा कटर है, आप चाहे तो चाकू से भी इसको बारीक काट सकते हो इस तरह से। इस तरह से हम इकट्ठा कर लेंगे। तो देख रहे हो कितनी अच्छी हमारी लेयर दिख रही है। तो इसको हम थोड़ा सा इस तरह से इसको एक बल दे देंगे इस तरह से, और फिर थोड़ा सा बढ़ा देंगे कि हमारी जो लोई है अच्छे से उसी लंबी गोल बन जाए अच्छे से, और इसको फिर इस तरह से राउंड कर देंगे। और इसको नीचे की तरफ इस तरह से बैंड कर देंगे। थोड़ा इसमें आटा लगाएंगे सूखा, इसको हल्का हल्का बेलेंगे हम, ज्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे बेलन का, ये हमारी लेयर कहीं खराब हो जाएंगी। इसको आप नाश्ते में बना सकते हो, और चाय तो दोपहर के चाय के साथ ही बना सकते हो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। हमारा ये पराठा बिल के हो गया तैयार।
हमारा गर्म हो गया है, इसमें डालते हैं हम पराठा। एक तरफ से हमारा सिकने लगा है, इसको हम पलट देंगे। इस पर फैन लगा देंगे, गैस को मीडियम ही रखेंगे क्योंकि हमें क्रिस्पी बनाना है। तरफ से हमारा थोड़ा सिकने लगा है, हल्का हल्का दबाएंगे। पलट देंगे हम, इधर भी रिफाइंड लगा देंगे। हल्का हल्का प्रेस करेंगे इसको, बहुत मजेदार पराठा बनता है। आप गेस्ट के लिए बना सकते हैं इसको। तो प्यारा कलर आया है, एक बार और लगा देंगे इस पर फैन कि हमारी लेयर है जो अलग अलग हो जाए बिल्कुल। हमारा पराठा बनकर हो गया तैयार दोस्तों। तो आप भी अपने घर पर ट्राई करें, इस तरह के पराठे बनाएं, मसाला पराठा। और हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें दोस्तों। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, लेते हैं विदा आप सभी से।